तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार है। अभी मैं आपसे जिक्र कर रहे थे कि हम सम तो हमने फाइंड आउट कर लिए, तो सम से रिलेटेड एक और फंक्शन होता है जो कि यही इसी टाइप का कुछ काम करता है, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज। सो अगर मुझे कोई एवरेज का फंक्शन बनाने को कह दे कि यार मुझे एवरेज फाइंड आउट करके दे दो उस पूरी एरे की, कि इस एरे में जितने एलिमेंट्स उनकी एवरेज क्या होगी, तो उस फंक्शन का नाम तो हम रख देंगे एवरेज। तो उसने भी उसने सम तो फाइंड आउट करना था, सम के बाद उसने क्या करना है, यहाँ पर हम एक और इंटीजर ए डिक्लेयर कर देते हैं, एंड ए इज इक्वल्स टू सम, जो भी सबका सम आया था, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। एंड देन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रिटर्न ए। सो अब बेसिकली मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया है, मैंने क्या किया, आपने मुझे एक एरे भेजी, एरे का ये निकनेम हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने थे, वही प्रोसेस सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई हमारी क्या है, आई जीरो से लेकर एन तक है, तो ये एरे ऑफ जीरो, एरे ऑफ वन, एरे ऑफ टू, एरे ऑफ थ्री, ये सारे बारी बारी सम में ऐड हो जाएंगे। एवरेज क्या होती है कि टोटल सबका आप सम निकाल लेते हैं, टोटल इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, एन थे, उसके ऊपर आपने डिवाइड किया तो आपको एवरेज मिल गई। सो इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द होल एरे, तो मुझे सिंपल एवरेज का फंक्शन कॉल करना है, एंड यहाँ पे मुझे एक और वेरिएबल ए डिक्लेयर कर लेता हूँ। और अब मुझे पता है कि जो मेरी एरे है, इस एरे का की एवरेज क्या है। अब वो एवरेज क्यों फाइंड आउट हमने की है, अब वो हम देखेंगे अगली क्लास के अंदर, अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम एवरेज को इस्तेमाल करते हुए कुछ एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे और कुछ को नहीं प्रिंट करेंगे। ठीक है, सही, बाय बाय।